देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। तेरे चेहरे की चमक ये बता रही है कि तू सदा सुहागन है और हमेशा रहेगी। ठीक हूँ। पुली तो गिरे थे मेरे ऊपर। मैं पुलों की बात नहीं कर रहा था। मैं जानता हूँ कि हमारी शादी हुई है प्रीता जी, और दुनिया की नजर में हम लोग पति पत्नी हैं। और यकीन मानिए, और आप भी जानते हैं, हम दोनों एक दूसरे के दोस्त के अलावा कुछ ज्यादा नहीं है। मुझे आपसे और कुछ नहीं चाहिए प्रीता जी। मैं इस रिश्ते से खुश हूँ। मैं समझता हूँ आज करवा चौथ और आपके कर्म के साथ ढेरों ढेरों मेमोरीज है। अगर आप उसको मिस कर रही हैं ना, तो दिल खोल के मिस कीजिए। मैं आपको आपकी यादों से बाहर नहीं निकालूंगा, और मैं होता कौन हूँ आपको आपकी यादों से बाहर निकालने वाला। सच कहूँ ना, मैं कभी करण की जगह ले पाऊंगा, ना मेरी कोई नियत है उसकी जगह लेने की। वो मेरा भाई था, उससे मैं बहुत प्यार करता था। सच तो ये है कि आप दोनों एक दूसरे के लिए बने थे, और आप दोनों की जगह कोई और ले ही नहीं सकता। मैं सिर्फ आपसे इतनी बात कहना चाहता हूँ प्रीता जी, कि आप मुझ पर ना भरोसा कर सकते हैं, दिल खोल कर भरोसा कर सकते हैं। अगर आप करण को याद कर रही हैं ना, तो शर्म से नहीं, गर्व से कीजिए। गाँव से नहीं, लगाव से कीजिए। और अगर आपका मन करेगा तो शेयर भी कर लीजिए। आपकी बातें तो मैं घंटों घंटे सुन सकता हूँ। आपको पता है ऋषभ जी, करण के साथ कुछ ही करवा चौथ हुए थे, और वो भी कुछ अजीब ही थे। कभी मैं छुप के व्रत रखती थी, तो कभी हमारा झगड़ा हुआ होता था, तो कभी एक दूसरे से रूठे हुए होते थे। लेकिन तब भी दोनों में इतना। प्रीता जी, मैं समझ सकता हूँ, आप दोनों एक दूसरे के लिए बने थे, और जैसे आप दोनों की कहानी है ना प्रीता जी, किसी और की हो ही नहीं सकती। जितना सच्चा प्यार आप दोनों एक दूसरे से करते हैं, आपको इस दुनिया में कर ही नहीं सकता है। And I'm very proud of both of you. Rishabh ji, इतने अच्छे तरीके से मुझे समझने के लिए थैंक यू। जब आप थैंक यू बोल देती ना, बात गड़बड़ हो जाती है। थैंक यू मत बोलिए प्रिया। जो भी चाहिए, जो भी कुछ भी चाहिए, कुछ भी कहना, तो हक से कहिए, मुझे खुशी होगी। तो अपने आप में मीटिंग करके आता हूँ, वरना बिना मीटिंग के जाना पड़ेगा। अरे हाँ, बिल्कुल। मैं नहीं चाहता कि कभी आपको इसकी जरूरत पड़े, पर अगर कभी भी पड़ेगी, जल्दी से मीटिंग करके आता हूँ। उसके बाद हम एक इंटरेस्टिंग सा डिनर करेंगे, और फिर हम लोग रात की फ्लाइट लेके वापस चले जाएंगे। रात की फ्लाइट लेकर? लेकिन प्लान तो कुछ और था ना। क्या ये सब आप इसलिए कर रहे हैं क्योंकि मिस्टर सूर्यवंशी यहाँ है? देखिए ऋषभ जी,
मुझे अर्जुन यहाँ हो या ना हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको यहाँ जो काम है आप वो कंप्लीट कीजिए, और हमने जैसा प्लान किया था हम उसी हिसाब से चलेंगे। उसके डर के मारे हम यहाँ से निकल नहीं जाएंगे। आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ हिम। ये असली प्रीता जी हैं, हमारे प्रीता जी। मैं नाम प्राउड ऑफ हिम। वेलकम बैक। आ गए तुम, बड़े लेट हो गए यार तुम। मैं ऑन टाइम हूँ, तुम टाइम से पहले आए। मुझे तो लगा था कि तुम इतने उतावले हो कि मुझसे पहले आ जाओगे। इस बात का जवाब देना जरूरी है। Are you prepared? तुम मुझे अवॉइड क्यों कर रहे हो यार? प्लीज शट अप, शट अप, शट। तुम जैसे बिजनेसमैन के मुंह से शट अप, शट अप अच्छा नहीं लगता। तुम जैसे बिजनेसमैन के मुंह से सुपारी देना अच्छा लगता है? मैंने तुम्हें मारने की सुपारी कभी नहीं दी। सब गुंडों ने तुम्हारे मुंह पे एक्सेप्ट किया, और सिर्फ गुंडों ने नहीं, पृथ्वी ने तुम्हारे मुंह पर कहा कि तुमने सुपारी दी है मेरे नाम की। एक्सेप्टेड। पृथ्वी और गुंडे तुम्हारे लिए इतने इंपॉर्टेंट हो गए कि तुम उन पर विश्वास करोगे मुझे छोड़ के? क्यों करूं मैं तुम्हारी बात पर विश्वास? क्यों करूं? अपनी आंखें खोलो। मैं खोलूं आंखें? अपने आजू बाजू देखो, समझो चीजों को। जब तुम लहू लुहान हुए थे ना, अपने कंधे पे लेके तुम्हें हॉस्पिटल गया था मैं। अगर मैं तुम्हें मारना चाहता था तो मैं तुम्हें क्यों वहां से उठाता, क्यों हॉस्पिटल लेके जाता? तुम्हें बचाने के लिए अपना खून दिया मैंने। ऋषभ प्लीज, मुझे गुनहगार मत बनाओ। बहुत बड़ी गलती कर रहे हो तुम। मैं गलती कर रहा हूँ? तुम्हें गुनहगार ना बनाओ। सुपारी तुमने मेरे नाम की दी और मैं तुम्हें गुनहगार? ऋषभ, मुझ पर गलत इल्जाम मत लगाओ। बुरा लग रहा है ना? ऐसे मुझे भी बुरा लग रहा था। गाइस कम डाउन, बहुत प्यार है तुम दोनों में। हाँ बिल्कुल, सगे भाइयों की तरह लड़ते हो, लड़ते हो। चलिए अभी झगड़ा छोड़ते हैं और काम पर फोकस करते हैं। आई एम रियली सॉरी, पर ये मेरे भाई नहीं। भाई नहीं, भाई था मेरे कभी, कभी भाई मानता था मैं इसे, पर कुछ नहीं, ऐसी कोई रीजन नहीं, ऐसी। अच्छा तो देखने का सीजन होता है। देखो सैमी, मैं पहले से सुबह से भूखी हूँ, मुझे बहुत भूख लग रही है, ठीक है? तुम्हारे लिए व्रत रखा है, तुम्हारी लंबी उम्र के लिए, तो मुझे देख देख के ना इरिटेट मत किया करो प्लीज। तुम्हें क्या है, दुनिया की हर पत्नी अपने पतियों के लिए करवा चौथ का व्रत रखती है उनकी लंबी उम्र के लिए, तो तुम्हारी बीवी ने भी रख लिया, तो इसमें कौन सी बिग डील है तुम्हारे लिए? है तुम नहीं, मैं मतलब तुम आज का दिन याद रखो, आज का वक्त, आज की तारीख नोट कर लो, और मुझसे ये प्रॉमिस करो कि तुम भी अगले साल मेरे लिए, मेरी लंबी उम्र के लिए करवा चौथ का व्रत रखोगे। सबके पति रखते हैं, मेरा ही पति नहीं। मेरी बात तो सुनो। अच्छा भला अभी कमरे में टहल रही थी हा? कमरे के चक्कर काट रही थी, प्यार से इस कमरे में कितनी शांति थी, है ना? तुम्हें अचानक से होता क्या है? तुम्हारे अंदर ऐसा कौन सा ट्रिगर है जो दबता है और तुम मुझ पे डाउट करती हो, मुझसे झगड़ने लगती हो? बात करके मुझे इरिटेट और मत करो प्लीज। अरे अगर मैं इरिटेट कर रहा हूँ, मैंने बोला था मिलने व्रत रखने के लिए। हाँ अगर ऐसा तो जाओ, जाओ जाके जो खाना खाओ, पानी पियो, मैं पिलाता हूँ। तुम क्या पियोगे? मैं पिलाता हूँ तुमको। परेशान कर दिया बोल बोल के, इरिटेट। मैंने क्या इरिटेट किया यार? कुछ भी तो इरिटेट नहीं किया। ये लो मेरे हाथों से पानी, ये लो पियो, पियो, तोड़ दो ना, पी लो ना पानी। क्या हुआ अब? तुम कितने पत्थर दिल हो सैमी, मैंने तुम्हारे लिए, तुम्हारी लंबी उम्र के लिए व्रत रखा है, और तुम मुझे ऐसे, तुम्हें ना मेरा व्रत तोड़ना नहीं चाहते हो, तुम मेरा दिल तोड़ना चाहते हो, और तुमने मेरा दिल तोड़ दिया है। यार ये नहीं कि अपने बीवी को समझा ले, थोड़ा प्यार कर ले, थोड़ा उसको सहला ले, तुम्हारे सीने में तो दिल ही नहीं है। I'm sorry, मैं मुझसे गलती हुई, I'm sorry, तुम नाराज, मेरी कोई इंटेंशन नहीं थी ऐसे तुम्हारा दिल तोड़ने के लिए, I'm sorry ना, तुम रो मत, sorry है, मुझसे गलती। अरे यार तुम मेरे emotions को तो समझते ही नहीं हो। बीवी दिन भर से भूखी है, और अगर उसने दो बातें सुना भी दी तो सुन लिया करो ना यार, तो मुझे उल्टे सुनाने आ जाते हो यार। Oh my God, कितना जोर से बोलती हो तुम, और ये क्या तरीका है अपने हस्बैंड से बात करने का, वो भी आज ही के दिन।
आज के दिन तुम्हें इज्जत देनी चाहिए इसे। जानती हो ना, पूजा के बाद इसके पैर छुप के आशीर्वाद लेना पड़ेगा तुम्हें। तो बुआ छोड़ो ना, उसको मत डांटो। सुबह से भूखी है, उसने मेले व्रत रखा है। अब होता है ना, जब किसी को भूख लगती है तो थोड़ा इरिटेट हो जाते हैं, तो वो भी बेचारी होगी ना। छोड़ो ना, आज मत बोलो। समीर, इसने कोई नया काम नहीं किया है। दुनिया की सारी वाइफ ये व्रत रखती है अपने हस्बैंड के लिए, और यही वजह थी। मैं नहीं चाहती थी कि तुम इसके क्लोज जाओ, क्योंकि अगर तुम इसके क्लोज जाते तो तुम दोनों की शादी करनी पड़ती। शादी हो गई, शादी के पहले तो इसके गुलाम थे, लेकिन शादी के बाद और ज्यादा ही गुलामी करने लग गए हो इसकी। रीना बुआ, ऐसा कुछ भी नहीं है, छोड़ो ना प्लीज। एक्चुअली समीर, तुम्हारे साथ जो भी हुआ ना, बहुत अच्छा हुआ। तुम यही डिजर्व करते हो। ये लड़की तुम्हें मैनिपुलेट करती है, तुम्हारी बेइज्जती करती है, पर मुझे लगता है तुम इन सारी बातों में बड़े खुश हो। वेरी गुड, तुम इसी के लायक हो। रीना बुआ, यार सैमी, थैंक यू। खैर छोड़ो, लेट्स मूव अहेड। सर, ये कोटेशन ऋषभ जी की और ये अर्जुन जी की, प्लीज हैव अ लुक। आप सब लोग प्लीज अपने अपने लैपटॉप बंद कीजिए, क्योंकि चांद निकल आया है। आइए करवा चौथ की पूजा करते हैं। एक मिनट राधिका जी, एक्चुअली मैं अपना प्रपोजल बस दिखाने ही वाला था उनको। आई एम श्योर वो एक बार देखेंगे तो मना नहीं कर पाएंगे। आई एम रियली सॉरी शेखर जी, मैं नहीं रुक पाऊंगा। मेरी वाइफ ने व्रत रखा है और मैं एक मिनट के लिए भी यहाँ पे और नहीं रुक सकता, क्योंकि मेरे लिए मेरी वाइफ से ज्यादा इंपॉर्टेंट और कुछ नहीं है। थैंक यू। एक्सक्यूज मैडम जी, इतनी जल्दी भूल गई मुझे कि मैं कौन हूं। पृथ्वी, बाहर निकल। अरे तुम लोग क्या कर रहे हो? हाल देर दूंगा तेरी। चलो ये चाकू अंदर को और तुम बाहर निकलो। निकलो यहां से। ये क्या कर रहे हो तुम? तुम्हें पता है ना एक औरत पे हाथ उठाने का नतीजा क्या होता है? मैं पुलिस में फोन कर दूंगी। पृथ्वी निकल बाहर। 10 दिन की मोहलत दी थी तुझे। हेलो, कृतिका जी। बेटा भाभी कहाँ है? तुमने उन्हें बता दिया कि चांद निकल आया है? जी मॉम, मैं ऑलरेडी उन्हें बता चुकी हूँ कि चांद निकल आया, पर मॉम आई एम फीलिंग रियली फेड अप। पता है, मुझे एक बात बताइए, मामी जी अब मुझसे प्यार नहीं करती हैं क्या? क्योंकि मम्मा, आजकल मैं ये देख रही हूँ, सृष्टि और प्रीता भाभी के अलावा मामी जी को कोई दिखता ही नहीं है। मैंने अभी कहा मामी जी को कि डोंट वरी, मैं सृष्टि को बुला के लाती हूँ, चांद निकल गया, बैठिए आराम से। मुझे कहती है नहीं बेटा रुक जा, मैं बुला के लाती हूँ। खुद गए बुलाने। पहले कितना प्यार करती थी राखी मामी जी मुझसे मॉम, मतलब उनकी लाडली थी मैं, सबसे ज्यादा मुझसे प्यार करती थी। और आज देखो, जितना प्यार था ना उन्हें मुझसे, उसका 10% नहीं मिलता है मॉम। It's just not fair. It's not fair. What's wrong with you, कृतिका? कैसी बातें कर रही हो तुम? भाभी आज भी तुमसे बहुत प्यार करती है, अपनी बेटी मानती है तुम्हें। और रही बात उन दोनों बहनों की, तो बेटा आज उन दोनों ने करवा चौथ का व्रत रखा है, सुबह से कुछ खाया पिया नहीं है, इसीलिए भाभी कुछ ज्यादा ही ध्यान दे रही है उनपे। That's all. Don't mind, okay? इतनी टेंशन मत लो बेटा। मुझे अच्छा फील कराने के लिए कुछ भी बोलोगे ना, पर मम्मा आप नहीं समझोगे, मुझे पता है ना। और ये आज की बात नहीं है, रोज की बात है मॉम। जाने दीजिए आप। सुनो, मेहमानों को लेके छत पर जाओ और तुम सारी बहुरानियों को पूजा की थाली पकड़ा दो। चलो 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 जल्दी। आई पधारिए। राधिका, शेखर कहते हैं। मासा, सब लोग आ रहे हैं। मैंने शेखर जी को और सबको कह दिया कि चांद निकल आया है। आई और ऋषभ और प्रीता भी तो नहीं नजर आ रहे। लीजिए प्रीता आ गई। और तुम सब पति परमेश्वर, अगर वक्त पर ऊपर ना पहुंचे ना, तो एक एक कान खींच के ले जाऊंगी। अरे मासा,
कान खींचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब पता चल गया है कि चांद निकल आया है तो ये खुद ब खुद चलेंगे। हाँ प्रीता, तुम जैसा कह रही हो अभी मीटिंग रूम में बिल्कुल वैसा ही हुआ है। चांद निकलने की खबर सुनकर ऋषभ जी सबसे पहले दौड़े आए हैं। अगर ऐसा होना भी तो चाहिए ना। और मुझे लगता है कि मैंने कुछ स्पेशल नहीं किया है क्योंकि सारी वाइफ्स जो होती हैं वो सारा दिन भूखे रहती हैं, पानी भी नहीं पीती हैं। और अगर हस्बैंड जितना भी ना कर सकें कि टाइम दे दें टाइम पर, तो मतलब मुझे लगता है कि तो फिर काफी ही ज्यादा हो गया। तो हम लोग पहले चांद देखते हैं, उसके बाद बाकी की बात। चलो चलो, पहले चलकर चांद की पूजा कर लो, बाद में पत्नियों की पेट पूजा करना। चलो चलो चलो। अरे अर्जुन, तू भी चल चांद को दर्शन कर ले। जी आजा। अभी कह रहा हूँ ऋषभ भैया को मत डिस्टर्ब करो, और उनकी दूसरी डील चल रही है, छोड़ो ना सलील यार। हाँ तेरे लिए आज के दिन तुम्हें इज्जत देनी चाहिए इसे, जानती हो ना। पूजा के बाद इसके पैर छुप के आशीर्वाद लेना पड़ेगा तुम्हें। तो बुआ छोड़ो ना, उसको मत डांटो, सुबह से भूखी है, उसने मेले व्रत रखा है। क्या हुआ? बेगम साहिबा, आपका चेहरा तो देख लो, मुंह से तो कुछ बोल नहीं रही कि तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है। हा? मेरी स्वीटहार्ट के दिमाग में क्या चल रहा है, चेहरे पे क्या चल रहा है, देखने दो ना प्लीज। अरे एक मिनट बाबा, ढंग से हग भी नहीं करने देते हो यार, रुको ना थोड़ा। एक मिनट की क्या बात कर रही हो सृष्टि, एक मिनट से क्या होगा, तुम मेरी वाइफ ही हो, तुम्हें जितने मिनट मुझे हक करना है उतने मिनट हक कर सकती हो। लेकिन बस मैं ये सोच रहा था कि तुम्हें अचानक से होता क्या है। अच्छा, तुम्हारी जिंदगी में अचानक से बहुत चीजें होती है ना, अचानक से क्या हुआ तुम्हें, क्या हुआ बताओ। प्यार हो गया। प्यार हो गया? अच्छा, किससे? तुमसे बुद्धू, आज तुम पे बड़ा प्यार आ रहा है। अच्छा, आज तुम पे बहुत प्यार है, सच कह रही हो चांदनी, मेरी चांदनी। सृष्टि, राखी मॉम, चांद निकल आया। आजा। क्या? चांद निकल आया? हाँ। राखी मॉम, आपने गलियों की स्ट्रीट लाइट तो नहीं देखी ना, सच में चांद निकल आया? नहीं नहीं, सच में चांद निकल आया। समीर, सृष्टि को लेके जल्दी टेरेस पे आ। अरे मैं आ रही हूँ राखी मॉम, एक मिनट मेरा इंतजार करना। ये भी नहीं यार। अरे सॉरी, मैं तो भूल ही गई कि तुम्हारे बिना व्रत कैसे तोड़ोगी, जल्दी आओ ना प्लीज। माय गॉड, मेरी वाइफ ही ना पल पल में बदलती है, कभी छोरे को पकड़ती है, कभी छुरी जैसे चलती है, इसका कुछ नहीं हो सकता। चलो ना, क्या कर रहे हो, चलो 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 चलो। अरे यार दरवाजा खोलो, चले। अरे पहले ही बता देती दरवाजा खुला हुआ है, कब से खटखटा रहा हूँ, आवाज भी नहीं दे रही हो। अरे यार ये सब क्या करती रहती हो तुम? हाँ मैं जानता हूं हमारा हमारा झगड़ा होता रहता है, इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुम्हारा दिल तोड़ूं, तुम घर की चीजों की तोड़फोड़ करो। पहले से ही पैसे नहीं है और ऊपर से घर घर का ये हाल बना रही हो तुम, ये सब मत क्या करो यार। कमाल है, अब यहाँ भीगी बिल्ली बन के बैठी हुई हो क्या यार तुम? हे, ये खून कैसे निकल रहा है, तुमने अपना क्या हाल बना रखा है? हाँ, और तुम रो क्यों रही हो? अरे कुछ बोलो ना प्लीज यार, क्या क्या हो, क्या गया, ये किसने किया? अर्जुन और ऋषभ की वजह से। व्हाट? और ऋषभ और अर्जुन यहाँ आए थे, उन्होंने तुम्हारा ये हाल किया है, उनकी तो मैं वो यहां पर नहीं आए थे, उनकी वजह से मेरा ये हाल हुआ। वो गुंडा जिसे तुम्हें 10 लाख रुपए देने थे, तुम्हारी पार्टनरशिप हो जाती तो
तुम वो पैसे लौटा देते ना, देखो पृथ्वी, मेरे चेहरे का घाव भर जाएगा, लेकिन मेरे दिल का घाव से तुम भर सकते? बताओ मुझे, बताओ मुझे, मैं तुम्हारे दिल का घाव कैसे भर सकता हूँ? बदला लेकर, बदला लेकर। पृथ्वी, जिस तरीके से मैं रो रही हूँ, मैं चाहती हूँ अर्जुन और यशा को तुम भी खून गया से बुला बुला। मेरी इज्जत तुम्हारे हाथों में, अगर तुमने बदला नहीं लिया तो तुम मेरा मरा हुआ मुंह देखोगे, देखोगे। चलिए चलिए, मेरी बात सुनो, चलिए, मैं वादा करता हूं तुमसे, I promise you, वादा करता हूं तुमसे, जिन लोगों ने तुम्हें तोड़ा है ना, मैं उन्हें तोड़ दूंगा, उस अर्जुन को, ऋषभ को, लूथरस को, खून के आंसू रुलाऊंगा, उन्हें मैं तबाह कर दूंगा, और अगर ऐसा नहीं किया ना, तो मेरा नाम भी पृथ्वी मल्होत्रा नहीं।